देने वाली घटना घटी है। यहाँ कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें वृद्ध दंपत्ति की दबकर मौत हो गई। दोनों ही मृतक पति पत्नी के शव को कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस द्वारा बाहर निकाला गया, जिनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। और शुक्रवार के दिन जनपद में भीषण बारिश हुई, जिसके चलते कच्चे मकान पूरी तरीके से बोध गए। देर शाम जब वृद्ध दोनों पति पत्नी मकान के अंदर लेटे थे, तभी कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के गिरे मलबे में दबकर वृद्ध दंपत्ति की मौत हो गई। घटना की खबर जैसे ही आसपास के लोगों को लगी, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तत्काल ग्रामीणों व पुलिस के अथक प्रयास से वृद्ध दंपत्ति के शवों को बाहर निकाला गया। वृद्ध दंपत्ति को मृत देखकर परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही SDM भी मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने शवों का पंचनामा भरवा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपका नाम से? अच्छा, ये कौन थे जो खत्म हो गए हैं? ये ताजी माता पिता। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है आपका? ग्राम वाटपुरा। आठपुरा। क्या हुआ आज? मकान गिर गया। कितने बजे गिरा लगभग? जी साढ़े छः बजे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये पिताजी और माताजी दोनों अंदर थे उसमें? हाँ जी, खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए खाना लेके निकले बाहर, तो एकदम दीवार लौट गई, दीवार गिर गई। अच्छा, तो ये उसके मलबे में दब गई है? हाँ जी, मलबे में दब गई। फिर कैसे निकले ये? सब गाँव वालों की मदद से, लगभग एक घंटे में, एक घंटा टाइम लगा निकालने, उसके बाद निकल पाई। क्या नाम आपका? मोहनलाल। अच्छा, क्या हुआ आज? जो मकान गिर गया। कौन से किस गांव में रहते हैं आप? आठपुरा। तो अच्छा, ये मकान किसके बारिश की वजह से गिरा है? हाँ। तो कौन कौन दब गया इसमें? अय्या बाबा। तो अय्या का नाम क्या है आपका? चुन्ना देवी। चुन्ना देवी। उम्र कितनी होगी लगभग? 65। अच्छा, और पिताजी? 70। पिताजी का नाम? पिताजी खरक सिंह। खरक सिंह खान का। अच्छा अच्छा, जो खत्म हुए उनके खरक सिंह। हाँ, हाँ। उनकी उम्र कितनी होगी? 70। तो ये इसमें दब गए थे? हाँ। अच्छा, उसके बाद मतलब गांव वालों ने निकाला? और लगभग एक घंटे में तक। कितनी देर में निकले ये? एक घंटे तो लगी। एक घंटे में निकले? और एक घंटा लगभग। अच्छा, और मौके पर कोई अधिकारी पुलिस वगैरह पहुंची कि नहीं पहुंची? लोग आए, सब लोग आए। निकाल लगे, बात ही आए भाई।